नमस्कार, मैं हेमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र आज के दिन हुई थी प्रदर्शित। इसके निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के थे और ये भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूपक फिल्म थी। फिल्म भारत की कथाओं में से एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर आधारित है। यद्यपि फिल्म मूक है, लेकिन इसमें दृश्यों के भीतर अंग्रेजी और हिंदी में कथन लिखकर समझाया गया है। चूंकि फिल्म में अभिनय करने वाले सभी कलाकार मराठी थे, अतः फिल्म को मराठी फिल्मों की श्रेणी में भी रखा जाता है। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग में ऐतिहासिक नींव स्थापित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की आज के दिन की थी स्थापना। त्रिपुरा अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ घोषित किया कि यूरोप में शीघ्र ही साम्राज्यवादी युद्ध आरंभ हो जाएगा और इस अवसर पर अंग्रेजों को 6 मास का अल्टीमेटम दे देना चाहिए। उनके इस प्रस्ताव की वर्किंग कमेटी में पूर्वकालीन सदस्यों ने विरोध किया। सुभाष बाबू ने अनुभव किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनका कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहना बेमतलब है, अतः उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने मई 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की घोषणा की। आज के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय किया था। यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में 1993 में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों की गंभीरता के बारे में जानकारी देना है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1997 से हर साल इस दिवस पर गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हों। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का आज के दिन हुआ था निधन। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद तेलंगाना के धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। कुछ समय बाद इनके पिता उत्तर प्रदेश में रहने आ गए थे। केवल 23 वर्ष की अवस्था में वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य बने। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।